अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लेम बेक्स रेसिपीज। आज हम बना रहे हैं मटन पाए। उसके लिए मैंने 4 अदद पाए लिए हैं, ये तकरीबन 1.25 किलो है। इसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए वो है 2 अदद प्याज चॉप किए हुए, 3 अदद हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा हमें चाहिए 2 अदद तेज़पात यानी कि कड़ी पत्ते, 2 अदद सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में पाए डालेंगे, चॉप किए हुए प्याज शामिल करेंगे, चॉप किए हुए अदरक लहसुन शामिल करेंगे, हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे, साबुत मसाले डाल देंगे, पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल किया है। अब प्रेशर को बंद कर देंगे, वेट लगाएंगे और आधे घंटे के लिए पका लेंगे। तो जी व्यूअर्स, आधा घंटा हो गया है, वेट मैंने उतार दिया है। अब इसको खोल के देख लेते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये अच्छे से गल गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि जो थोड़ा सा पानी है ये भी खुश्क हो जाए। ऑयल शामिल करेंगे, ये तकरीबन 1 कप ऑयल शामिल किया है। लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे, अब इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसे भून लिया है। अब शोरबा करेंगे, शोरबा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कम करना चाहे तो कम कर ले, ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर ले।
शोरबे के लिए पानी डाल लिया है, अब इसे बॉयल आने तक पकाएंगे। उबाल आ गया है, अब फ्लेम को लो कर देंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो जी व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं इसे लो फ्लेम पे पकाते हुए। अब हम गरम मसाला पाउडर छिड़केंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, तैयार है मटन पाए, बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। दुआ में रखिएगा याद। फ़ी अमान अल्लाह।